व्यवस्था विवरण अध्याय 11 व्यवस्था विवरण अध्याय 11 इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना और तुम आज यह सोच समझ लो क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता जिन्होंने न तो कुछ देखा और न कुछ जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई और मिस्र में वहां के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं और तुम्हारे इस स्थान में पहुंचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया और उसने रूबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबिराम से क्या क्या किया अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पसार के उनको घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इसराइलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया परंतु यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना इसलिए कि तुम सामर्थ्य होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है जहां से निकलकर आए हो जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सिंचते थे परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधी रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है और यदि तू मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा जिससे तू अपना अन्न नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा इसलिए अपने विषय में सावधान रहो ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे और तुम उस उत्तम देश में जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम कर दे और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते चलते लेटते उठते उसकी इतनी चर्चा करके अपने लड़के बालों को सिखाया करना और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा उसमें तुम्हारे और तुम्हारे लड़के बालों की दीर्घायु हो और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे
इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थ्य जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पाव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नाम महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा सिवाना होगा। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम तुम्हारे पाव डालेंगे उन सब पर रचने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनता हूं उसे तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो तो तुम पर शाप पड़ेगा, और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाएगा जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है तब आशीष गिरिज्जिम पर्वत पर से और शाप एलाप पर्वत से सुनाना। क्या ये यरदान के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बांझ वृक्षों के पास नहीं है? तुम तो यरदन पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूं उन सबों के मानने में चौकसी करना।